तस्वीरों में ये जोड़ी जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, असल जिंदगी में इनकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। तस्वीर में ऋषभ नाम का जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसका बेहद शातिर तरीके से कत्ल कर दिया गया और आरोप पत्नी सपना पांडे पर लगा है। जी हाँ, पहले सपना ने अपने पति को प्रेमी के हाथों हमला करके मरवाने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रही। 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। जब ऋषभ अस्पताल से ठीक होकर घर लौटा तो उसे दवाओं की ओवरडोज देकर खत्म कर दिया गया, जिससे उसके ऑर्गन्स फेल हो गए। ऐसा सपना ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर किया। दरअसल बीती 30 नवंबर को ऋषभ को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन 3 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इससे पुलिस भी हैरान थी। जब जांच की गई तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं, जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ, उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है, उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसकी इसके जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। सपना और ऋषभ की शादी साल 2020 में हुई थी। ऋषभ की माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी और ऋषभ के पिता की मौत भी कुछ तरह से महज 8 महीने पहले हुई थी। हैरानी की बात देखिए कि दोनों ऋषभ के सगे माता पिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऋषभ को गोद लिया था, जिनकी करोड़ों की संपत्ति थी। और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त, जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ जिंदगी जी सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सपना समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिसने भी इस गुनाह के बारे में सुना हैरान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।